वेलकम इन LTW चैनल, यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है LTW चैनल में। LTW चैनल यूट्यूब चैनल में हम लोग सिखाएंगे टेक्निकल नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स। तो माय नेम इज देवेंद्र श्रीवास, डायरेक्टर ऑफ LTW कंपनी। तो आज का हम लोग का टॉपिक्स है कंट्रोल सिस्टम्स, राइट। कंट्रोल सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम में सब टॉपिक्स है ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम्स। व्हाट इज़ द ओपन लूप सिस्टम एंड व्हाट इज़ द क्लोज लूप सिस्टम्स एंड ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक्स। ओके, हाँ दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, राइट। तो ओपन लूप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, आज मैं आपको पूरा फुल सिखाऊंगा। तो ओपन लूप में क्या होता है, ओपन लूप में एक इनपुट देते हैं हम लोग, राइट, एक इनपुट और फिर उसके बाद में एक आउटपुट मिलेगा, राइट। और यहाँ पे क्या रहता है, कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोल करता है एंड ये कंट्रोल्ड प्रोसेस है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। सपोज मेरा एग्जांपल है कि अगर मेरा फ़ैन है तो फ़ैन का मैं स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करता हूँ, तो मतलब वो क्या है, वो रेगुलेटर से मैं स्पीड को इंक्रीज करूँगा और डिक्रीज करूँगा, राइट। तो वो मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कंट्रोलर, राइट। और कंट्रोल्ड प्रोसेस मतलब क्या हो गया, जो प्रोसेस स्पीड करने में लगा, मतलब कम ज़्यादा, राइट। और आउटपुट में क्या होगा, स्पीड अपना फ़ैन स्पीड में होगा और डिक्रीज होगा स्पीड, राइट। तो ये था ओपन लूप। ओपन लूप का मैं और भी बताता हूँ। ओपन लूप का यहाँ पे जो सिस्टम्स है, द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम विथआउट फीडबैक और नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन लूप सिस्टम आर इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ सिस्टम्स, राइट। ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे फीडबैक पाथ नहीं है, राइट। तो यहाँ फीडबैक पाथ नहीं है तो ये क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। तो ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल बताता हूँ, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट। एंड फिर उसके बाद हम लोग इसको यूज करते हैं डीसी मोटर में हम लोग यूज करते हैं इसको, और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हम लोग ओपन लूप यूज करते हैं, राइट। फिर उसके बाद में देखो, अभी ओपन लूप का हम लोगों ने सीखा, अभी हम लोग क्या सीखेंगे, क्लोज लूप के बारे में। तो व्हाट इज़ द क्लोज लूप, राइट। तो क्लोज लूप क्या होता है, वो क्लोज लूप में मैं एक्सप्लेन करूँगा। एंड कंपेरेटर क्या होता है, फिर उसका सिग्नल एरर एंड कंट्रोल एक्शन, राइट। तो मैं फर्स्ट इसका थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। दिस इज द सिस्टम विच कंट्रोलिंग एक्शन और इनपुट डिपेंडेंट, मीन्स डिपेंडेंट ऑन आउटपुट। इट मीन्स प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड अपॉन द इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट सच एज द सिस्टम कॉल्ड क्लोज लूप, राइट। मीन्स यहाँ पे क्या है कि सपोज मैंने यहाँ पे मैंने डीसी मोटर लगाया। कौन सा मोटर लगाया, डीसी मोटर, ओके। तो डीसी मोटर में क्या होगा, सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका यहाँ पे स्पीड मैंने सेट किया था 100 RPM सेट किया इनपुट में, राइट। तो मैंने इनपुट दिया और इनपुट देने के बाद में यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे स्पीड मुझे मिल रहा है 90। सपोज यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल रहा है, 90 RPM मुझे ये मिल रहा है, राइट। तो फिर क्या होगा, फिर इसके बाद में मैं क्या करूँगा कि डायरेक्टली इसको मैं यहाँ पे एरर कितना है, क्योंकि यहाँ पे मतलब 90 स्पीड मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 10 का। तो यहाँ पे ये फीडबैक एलिमेंट्स है, फीडबैक एलिमेंट नथिंग बट सेंसर। सेंसर मीन्स यहाँ पे टैको सेंसर यूज कर सकते हैं स्पीड मेजरिंग के लिए, राइट। तो टैको सेंसर का आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, 90। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम लोग इसको मतलब कैसे पुशअप कर, हाँ। तो यहाँ पे क्या था, ये क्लोज लूप में सपोज मैंने स्पीड दिया, मेरा क्लोज लूप का स्पीड यहाँ पे 100 RPM मैंने इनपुट में दिया था, और आउटपुट में मतलब कितना निकला मेरा, 90 RPM, राइट। तो यहाँ पे ये कंपेरेटर क्या करेगा, कंपेयर करेगा इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल, मीन्स आउटपुट मीन्स फीडबैक सिग्नल, राइट। तो फीडबैक सिग्नल को यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे डिफरेंस कंपेयर करेगा। तो इनपुट में कितना था, 100, राइट, और आउटपुट में कितना निकला, 90। तो डिफरेंस कितना है, 10, राइट। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ये जो एरर सिग्नल है, दिस इज द एरर सिग्नल, एरर सिग्नल कितना होगा, 10, कितना होगा, 10 RPM, राइट, 10 RPM एरर सिग्नल आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे कंट्रोल एक्शन, यहाँ पे कंट्रोल एक्शन मीन्स क्या करेगा, ये 10 RPM स्पीड को इंक्रीज करेगा मोटर की स्पीड को, राइट। तो मोटर का स्पीड इससे इंक्रीज होगा कितना, 10 RPM तक। तो ये इसको बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में मैंने एक सिंपल एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन किया। आई होप ये सब लोग को अच्छे से समझ में आया रहेगा। अभी हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक्स है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग जाएंगे, ओके। हाँ, तो अभी मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक, ओके। ये ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। तो यहाँ पे अपन लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, इसके स्टेप्स रहते हैं, राइट। इसके क्या होते हैं, स्टेप्स। तो स्टेप्स बाय स्टेप्स हम लोग इसको सीखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। फर्स्ट नंबर स्टेप का है रिड्यूस द सीरीज
ब्लॉक फर्स्ट राइट, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो सीरीज़ के ब्लॉक्स हैं उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे फर्स्ट में, ये फर्स्ट स्टेप है। फिर सेकंड स्टेप में क्या है, रिड्यूस द पैरेलल ब्लॉक, मींस रिड्यूस द पैरेलल, ओके पैरेलल ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल ब्लॉक को हम लोग रिड्यूस करेंगे, ओके। फिर उसके बाद में सी थर्ड नंबर का, मतलब थर्ड नंबर का स्टेप्स क्या है, रिड्यूस द माइनर फीडबैक लूप, रिड्यूस द माइनर फीडबैक लूप, माइनर फीडबैक लूप, ओके ये हो गया। अभी फिर उसके बाद में मैंने क्या करूँगा, यहाँ पे फोर्थ नंबर का मेरा स्टेप्स है, फोर्थ नंबर का स्टेप्स क्या है, शिफ्ट समिंग पॉइंट टू लेफ्ट, शिफ्ट समिंग पॉइंट टू लेफ्ट एंड टेक अ पॉइंट द राइट एज फार एज पॉसिबल। मीन्स यहाँ पे क्या है कि और भी मतलब पॉइंट्स है, बट इतना ये पॉइंट हम लोग को मेन याद रखना है, ये थर्ड स्टेप्स राइट। इसके स्टेप्स जो थर्ड हैं, रिड्यूस द सीरीज ब्लॉक फर्स्ट, सेकेंड रिड्यूस द पैरेलल ब्लॉक, थर्ड रिड्यूस द माइनर फीडबैक लूप, एंड फिर उसके बाद में आता है डी में हम लोग बोल सकते हैं क्लोज लूप सिस्टम्स। तो क्लोज लूप सिस्टम को हम लोग सॉल्व करेंगे राइट। तो ये था अपना इसमें, फिर उसके बाद में हाँ, सबसे फर्स्ट हम लोग का यहाँ पे टॉपिक्स है ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक। तो ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक्स में यहाँ पे रिडक्शंस के एक ये बनाया है, सपोज फर्स्ट है अपना ब्लॉक्स इन सीरीज राइट। सपोज ब्लॉक्स इन सीरीज रहेगा तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सपोज दिस इज द माई इनपुट राइट एंड दिस इज ब्लॉक वन, ब्लॉक वन एंड दिस इज ऑल्सो ब्लॉक टू मीन्स जी टू, दिस इज माई आउटपुट। तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा, इसको सॉल्व मैं ऐसे करूँगा, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, सीरीज में अगर ब्लॉक रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखूँगा आर एंड दोनों ब्लॉक को मतलब क्या करना है मल्टीप्लाई, जी वन इंटू जी टू, ओके। और ये हो गया आउटपुट, इसको बोलते हैं सीरीज इन ब्लॉक, ओके सीरीज इन ब्लॉक को सॉल्व किया मैंने। अभी सेम अभी मैं सॉल्व करूँगा सीरीज ब्लॉक इन पैरेलल, ओके ये हो गया। अभी नेक्स्ट है अपना ब्लॉक इन पैरेलल, तो यहाँ पे सॉल्व करूँगा आर, आर मीन्स इनपुट, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो यहाँ पे टू ब्लॉक्स है जी वन एंड जी टू, ओके जी टू। और यहाँ पे क्या है, एक समिंग पॉइंट्स है, ये समिंग पॉइंट भी यहाँ पे मीट होगा राइट, ये ऐसे करके ये हो गया। तो ये सपोज माइनस है और ये प्लस है, तो उसके बाद दिस इज आउटपुट सी। तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल फार्मूला है कि इसको अगर सपोज यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे ऐड करते हैं राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको ब्लॉक बनाऊँगा, दिस इज़ द आर, आर मीन्स इनपुट एंड ब्लॉक वन, ये ब्लॉक, फिर उसके बाद में दिस इज सी। तो यहाँ पे ब्लॉक क्या बनेगा, जी टू प्लस का है और जी वन माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा जी टू माइनस जी वन, सपोज यहाँ पे जी वन होता तो जी वन माइनस जी टू राइट। तो ये इसको ऐसे सॉल्व करते हैं पैरेलल बॉक्स को, ये हो गया पैरेलल बॉक्स, ओके। अभी पैरेलल बॉक्स को मैंने सॉल्व किया, अभी इसके बाद मैं सॉल्व करूँगा नेक्स्ट है अपना शिफ्टिंग समिंग पॉइंट राइट, शिफ्टिंग समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक एंड आफ्टर द ब्लॉक, ये दो पॉइंट है, फर्स्ट हम लोग सीखेंगे बिफोर द ब्लॉक, ओके। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ शिफ्टिंग समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, ओके। तो इसको मैं क्या करूँगा, सपोज मेरे पास ये आर वन, ये आर इनपुट है राइट, और ये ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक है जी, ओके। तो फिर उसके बाद में मेरा समिंग पॉइंट किधर है, ये समिंग पॉइंट्स है, दिस इज माई समिंग पॉइंट्स, ओके। समिंग पॉइंट मीन्स नथिंग बट वाई, ये प्लस है रुक, ओके। और यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द माई आउटपुट सी और दिस इज इनपुट। तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल है, ये जो समिंग पॉइंट है इसको मुझे यहाँ पे लेके आना है राइट, शिफ्ट करना है, शिफ्टिंग समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, ओके। तो शिफ्टिंग करने के टाइम में इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे डिवाइड करते हैं, जो भी ब्लॉक्स है, जो ब्लॉक्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं राइट। तो इसका मैं सिंपल बता देता हूँ, सिंपल क्या है, यहाँ पे ये आएगा राइट। तो यहाँ पे फिर ये समिंग पॉइंट्स, ये यहाँ पे शिफ्टिंग द बिफोर ब्लॉक राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो ब्लॉक आएगा वो ब्लॉक आएगा, ये ब्लॉक आएगा वन बाय जी, ओके, क्योंकि जी मतलब ब्लॉक था अपना। फिर उसके बाद में यहाँ पे जी लिखा है, जी का जी, ओके। एंड यहाँ पे क्या आएगा, सी, सी मीन्स आउटपुट, आर मीन्स इनपुट। तो ये ऐसे करते हम लोग कन्वर्ट राइट, ये हम लोग का कन्वर्जन था किस, ये था शिफ्टिंग समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, ओके। अभी नेक्स्ट आएगा शिफ्टिंग समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, ओके। अभी सपोज अपने पास यहाँ पे दिया है ये वाला पॉइंट, अभी बोल रहा हूँ, तो ये वाला पॉइंट में क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज ये आर दिया राइट, और ये शिफ्टिंग ये पॉइंट है समिंग पॉइंट राइट,
तो समिंग पॉइंट यहाँ पे वाई दिया है, ये प्लस है और ये ब्लॉक है, राइट। अब ब्लॉक के ये साइड मुझे यहाँ पे लेके आना है, इसको शिफ्ट करना है यहाँ पे, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, ओके, शिफ्टिंग समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, यहाँ पे आर तो दिया ही, राइट। अभी जो यहाँ पे ब्लॉक ब्लॉक जी था, जी हो गया, राइट। इसको मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ पे आएगा समिंग पॉइंट, तो समिंग पॉइंट आएगा तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, आफ्टर द ब्लॉक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होता है ब्लॉक के साथ में, तो जी एंड वाई प्लस, ओके। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं समिंग द आफ्टर पॉइंट, राइट। तो ये इसको मैंने ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। अभी नेक्स्ट है मेरा शिफ्टिंग टेको पॉइंट बिफोर बिफोर द ब्लॉक, ओके, आफ्टर द ब्लॉक, पहले आफ्टर द ब्लॉक करेंगे, राइट। यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे फर्स्ट मतलब बिफोर द ब्लॉक करेंगे, फिर उसके बाद आफ्टर द ब्लॉक करेंगे, राइट। तो बिफोर द ब्लॉक करेंगे तो यहाँ पे देखो एक बनाता हूँ डायग्राम, सिंपल है। अभी मेरा ये पॉइंट नंबर कौन सा आ गया, ये वाला पॉइंट है, अभी यहाँ पे ये पॉइंट से, राइट। इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो ये पॉइंट से क्या है, यहाँ पे दिया था मैं आपने क्या दिया, शिफ्टिंग टेको पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, ओके। तो बिफोर द ब्लॉक हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसमें बिफोर द ब्लॉक में क्या होगा, सपोज ये मेरा आर दिया है, राइट, और एक ब्लॉक दिया है जी, ओके। और फिर उसके बाद में जो टेको पॉइंट दिया है मुझे, ये दिस इज़ माई टेको पॉइंट, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ सी। तो ये टेको पॉइंट को मुझे यहाँ पे बिफोर द ब्लॉक लेके आना है, राइट। तो इसको मैं बिफोर द ब्लॉक लेके आऊँगा, तो उसका मेरा आंसर क्या आएगा, उसका आंसर मतलब यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई में हो जाएगा ब्लॉक के साथ में, तो क्या आएगा, आर लिखा है, राइट। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये टेको पॉइंट इधर आएगा, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, जी के साथ में, तो यहाँ पे जी आ जाएगा, जी एंड वाई, फिर उसके बाद में यहाँ पे जी, राइट, एंड यहाँ पे सी। ये हो गया मेरा सॉल्व, ओके। तो ये मैंने सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, ओके। ये सॉल्व करने के बाद में फिर मैं क्या करूँगा, अभी डायरेक्टली यहाँ पे बिफोर द ब्लॉक सॉल्व किया था, राइट, अभी मैं आफ्टर द ब्लॉक सॉल्व करूँगा, ओके। तो इसको मतलब सपोज ये वाला पॉइंट है, राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसा, सपोज मेरा यहाँ पे वाई दिया है, ओके, यहाँ पे ये टेको पॉइंट में क्या दिया है, वाई। तो ये वाई को मैं, ये वाई को मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है आफ्टर द ब्लॉक, ओके। तो आफ्टर द ब्लॉक को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ब्लॉक के साथ में जो ब्लॉक है मेरा, इसके साथ में डिवाइड करेंगे, राइट, क्या करेंगे, डिवाइड। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आर, ओके, ये यहाँ पे जी एज वेल, फिर उसके बाद यहाँ पे ये इसको मैं लेके आया टेको पॉइंट को इधर सॉल्व ये किया, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड मीन्स नथिंग बट ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ क्या हम लोग पुट कर सकते हैं, वन है, राइट। तो वन डिवाइड बाय जी, ओके, और दिस इज माय वाई। तो ये हो गया शिफ्टिंग टेको पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, ओके, इसको सॉल्व किया। अब अभी मेरा मेन है यहाँ पे क्लोज लूप वाला, राइट, ये क्लोज लूप वाला सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, क्या करेंगे, क्लोज लूप का, ओके। तो देखो क्लोज लूप का कैसा, ये सिंपल है, क्लोज लूप का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम लोग सॉल्व करते हैं क्लोज लूप के लिए। तो क्लोज लूप में क्या क्या होता है, सपोज एक आर दिया है, राइट, दिस इज़ माय समिंग पॉइंट, ये समिंग पॉइंट से, समिंग पॉइंट के बाद में यहाँ पे एक ब्लॉक दिया है, ये ब्लॉक दिया, राइट, फिर उसके बाद यहाँ पे फीडबैक एलिमेंट। क्लोज लूप में क्या होता है, मैंने बोला था अभी एक्सप्लेन किया था, फीडबैक एलिमेंट, ओके। तो फीडबैक एलिमेंट यहाँ पे दिया, दिस इज़ माय माइनस, दिस इज़ प्लस, ओके। तो अगर सपोज यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे आउटपुट सी है, दिस इज़ माय आउटपुट, दिस इज़ माय इनपुट। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर सपोज यहाँ पे इनपुट दिया है, तो अपने मतलब इसको सॉल्व करेंगे ना, ये ब्लॉक से वन अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, ये जी अपॉन वन प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस जी एच। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, सपोज यहाँ पे मेरा माइनस है, राइट, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, राइट। तो ये मेरा सिंपल था, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व किया, ओके। तो ये इसको बोलते हैं, ये क्लोज लूप, राइट, इसको बोलते हैं क्लोज लूप, दिस इज माय आर एंड दिस इज माय आउटपुट, राइट। तो ये हो गया क्लोज लूप। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा शिफ्टिंग टेको पॉइंट आफ्टर और बिफोर समिंग पॉइंट्स। अभी समिंग पॉइंट्स के बाद में इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको, वन मिनट। अभी मेरा पॉइंट कौन सा है, सिक्स नंबर का, ये सिक्स नंबर का पॉइंट यहाँ पे है, इसको मैं सॉल्व करूँगा। क्या लिखा है, शिफ्टिंग टेको पॉइंट, ओके। तो शिफ्टिंग टेको पॉइंट दिया है यहाँ पे आफ्टर द समिंग पॉइंट, ओके, और बिफोर द समिंग पॉइंट। तो यहाँ पे दिया है, फर्स्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे,
क्या लिखा है आफ्टर द, तो आफ्टर समिंग पॉइंट करेंगे तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक पॉइंट बनाता हूँ, सपोज दिस इज माई आर ओके एंड दिस इज माई टेको पॉइंट ओके, टेको पॉइंट एक्स मैंने पुटअप किया, फिर उसके बाद दिस इज माई समिंग पॉइंट, तो समिंग पॉइंट क्या है, समिंग पॉइंट मेरा वाई है ओके और दिस इज सी, सी मीन्स आउटपुट। अभी मुझे क्या करना है, इसको मतलब आफ्टर द ब्लॉक ये सॉल्व करना है, यहाँ पे लेके जाना है इसको, मतलब यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो इसको पुटअप करने के लिए इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा, देखो इसको भी सॉल्व करने के लिए एक रूल्स है, इसका रूल्स क्या है कि डायरेक्टली जो समिंग पॉइंट्स के अगर वो साइड में लेके जाना है मुझे, तो यहाँ पे जो यहाँ पे सपोज माइनस है राइट, तो यहाँ पे प्लस माइनस का यहाँ पे ये कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मैं क्या करूँगा डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ आर ओके और दिस इज माई समिंग पॉइंट, ये समिंग पॉइंट्स हो गया, समिंग पॉइंट में ये प्लस माइनस ओके, नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम मतलब क्या था प्लस माइनस, माइनस प्लस ऐसा हो राइट, तो यहाँ पे भी क्या हो गया माइनस प्लस, फिर उसके बाद में यहाँ पे जो सॉल्व करूँगा मैं इस ये दिस इज माई टेको पॉइंट ओके, तो टेको पॉइंट को उस साइड में लेके जाऊँगा। अभी यहाँ पे तो ब्लॉक नहीं है राइट, तो ब्लॉक होता तो फिर क्या होता है, अभी सपोज मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था, यहाँ पे क्या सॉल्व किया था देखो, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था कि शिफ्टिंग समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक आफ्टर द ब्लॉक, तो ब्लॉक के साथ में कुछ चेंजेस होता था, मल्टीप्लाई या डिवाइड होता था, बट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, जो मेरा टेको पॉइंट है टेको पॉइंट को आफ्टर समिंग पॉइंट बिफोर समिंग पॉइंट उसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा समिंग पॉइंट्स का मतलब वेरिएबल्स होगा राइट, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा समिंग पॉइंट्स आ जाएगा, समिंग पॉइंट्स ओके, और यहाँ से कट होगा ये दिस इज प्लस, फिर उसके बाद में यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस था तो यहाँ पे ये माइनस आएगा राइट, वाई का वाई आ गया, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग टेको पॉइंट, दिस इज माई शिफ्टिंग टेको पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक राइट, आफ्टर द समिंग पॉइंट, आफ्टर द समिंग पॉइंट बिफोर द समिंग पॉइंट, ऐसे सॉल्व करते हैं। अभी नेक्स्ट है, ये तो मैंने आफ्टर वाला किया, अभी इसको बिफोर वाला सॉल्व करता हूँ, सपोज वन मिनट, इसको मैं क्या करता हूँ शिफ्टिंग टेको पॉइंट बिफोर समिंग पॉइंट्स राइट, तो यहाँ पे क्या करूँगा, ये दिस इज माई आर ओके, तो ये आर है, अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे मेरा पॉइंट्स है, दिस इज समिंग पॉइंट, दिस इज अ टेको पॉइंट ओके, टेको पॉइंट मतलब सपोज एक्स लिया मैंने और ये वाई लिया है राइट समिंग पॉइंट का, तो यहाँ पे सपोज ये तो प्लस है ये माइनस, अभी इसको ये वाले को मैं क्या करूँगा यहाँ पे सॉल्व करना है मुझे, यहाँ पे लेके आना राइट, ये मेरा टेको पॉइंट है, टेको पॉइंट को मैं यहाँ पे आफ्टर द ये बिफोर द ब्लॉक लेके आना है राइट, तो बिफोर द ब्लॉक मैं कैसे सॉल्व करूँगा इसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ राइट, तो इसको मैं क्या करूँगा फर्स्ट आर, आर तो लिखाइए राइट, और फिर उसके बाद जो एज इट इज़ अपना ये समिंग पॉइंट्स ये लिखा है ओके, यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे समिंग पॉइंट फिर से आ जाएगा, ये समिंग पॉइंट्स आया और फिर उसके बाद में यहाँ से डायरेक्टली ये इनपुट आएगा यहाँ पे राइट, तो यहाँ पे क्या है माइनस प्लस और फिर उसके बाद में यहाँ पे ये जो एज इट इज़ दिया था एक्स दिया था तो एक्स आ गया राइट, ये एक्स था तो ये एक्स और ये क्या था अपना ये था वाई, तो वाई का वाई हो गया राइट, सेम एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस माइनस ओके एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे क्या है सी, सी मीन्स आउटपुट ओके। तो ये था सिंपल इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस। अभी लास्ट रूल्स है एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ राइट, तो एसोसिएटिव लॉ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता देता हूँ वन मिनट। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ मतलब यहाँ पे दिया है फर्स्ट कि एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि सपोज मेरा यहाँ पे वैल्यूज दिया है, ये समिंग पॉइंट्स है राइट, दिस इज माय आल्सो समिंग पॉइंट्स, तो समिंग पॉइंट्स में मतलब यहाँ पे क्या दिया है ये माइनस और प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है एक्स, सपोज मैं एक्स पुटअप करता हूँ और फिर यहाँ पे वाई पुटअप करता हूँ राइट माइनस राइट, तो माइनस प्लस यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं और ये आउटपुट में क्या आएगा सी, दिस इज इनपुट माई आर ओके दिस इज आउटपुट। तो इसको मैं क्या करूँगा इसको मतलब एसोसिएटिव लॉ मीन्स क्या होता है पोस्टिंग चेंज करना मीन्स प्लेस चेंज करना, ये प्लेस को यहाँ पे इसको इधर से ये करना, बट यहाँ पे क्या हो रहा है बिफोर द ब्लॉक आफ्टर द ब्लॉक बिफोर द समिंग पॉइंट आफ्टर द समिंग पॉइंट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा राइट, तो यहाँ पे क्या होगा कुछ भी मतलब यहाँ पे मैं मोस्टली कुछ चेंज नहीं होगा सेम एज इट इज़ रहेगा, जो यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है और ये वाई वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये एक्स वाला इधर आ जाएगा राइट। सपोज मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आर, फिर उसके बाद में जो मेरा पॉइंट्स है ये मतलब वाई बन जाएगा राइट, सेम एज इट इज़ रहेगा माइनस
प्लस ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे भी एज इट इज़, दिस इज माई एक्स माइनस प्लस और ये सी ओके। मतलब ये क्या हुआ कि एज इट इज़ इंटरचेंज हो गया यहाँ पे राइट। तो इसके लिए यहाँ पे इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ राइट। तो ये था रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक का राइट ओके। हाँ दोस्तों, आज ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, ये एग्जांपल क्या लिया है मैंने कि दिस इज़ माय इनपुट आर राइट, ये समिंग पॉइंट्स है प्लस माइनस, माइनस मीन्स फीडबैक है जी वन एच टू एंड माइनस वन, इसको सॉल्व करना है राइट। दिस इज़ माय सी, इसको सॉल्व कैसे करूँगा अभी देखो। तो यहाँ पे सिंपल एक ये बताता हूँ मैं इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे क्या दिया है दिस इज सीरीज़, ये सब सीरीज़ में दिए राइट। तो सीरीज़ में दिया है तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, सीरीज़ में मैंने क्या बोला था मल्टीप्लाई करते हैं राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट बनाता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, ये मेरा ये पॉइंट है दिस इज आर ओके प्लस माइनस ओके। अभी ये ब्लॉक में क्या आएगा, ये ब्लॉक में आएगा जी वन ओके एच टू मल्टीप्लाई एंड माइनस वन, तो माइनस वन का मैं माइनस लिख देता हूँ ऐसा माइनस ओके, माइनस आ गया। फिर उसके बाद में क्या है जी टू, और फिर यहाँ पे क्या है एच वन ओके, ये हो गया। अभी इसको मैं सॉल्व करना इसी है, अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो गया क्लोज लूप वाला सिस्टम, कौन सा हो गया क्लोज लूप। तो क्लोज लूप का मैंने फार्मूला क्या बताया था, क्लोज लूप का फार्मूला यहाँ पे बताया था मैंने, सपोज ये ऊपर वाला जो ब्लॉक्स है यहाँ पे क्या आएगा डिवाइड में आएगा ना, माइनस लिखा है माइनस क्या है वन एच टू एंड जी टू ओके। अभी यहाँ पे वन, अभी ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस ओके। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जी वन एच टू जी टू इंटू एच वन ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या है आर और यहाँ पे क्या है सी, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आर ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है मीन्स यहाँ पे माइनस लिखा है राइट, तो ये माइनस यहाँ पे लिख दिया जी वन एच टू एंड जी टू अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा वन, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस जी टू एच टू जी टू एच वन ओके, ये हो गया। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ये था सिंपल ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक। और ये चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट्स नॉलेज मिलेगा सबको राइट। यहाँ पे नॉलेज मैथमेटिक्स एंड साइंस प्रैक्टिकल्स डेमोज और प्रोजेक्ट्स ये सब सीखने को मिलेगा ये चैनल में, LTW चैनल में। तो LTW चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब करो सब लोग, फिर उसको शेयर करो राइट अपने फ्रेंड्स के साथ में, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।